आजकल बहुत सारे अखबारों में आपने देखा होगा हनी ट्रैप जैसे मामले, किसी का लड़की और लड़का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उनका वीडियो बना लेते हैं, वायरल कर देते हैं। तो ये घटना शर्मनाक हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार की दबाव वाली जो चीजें, वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देना, उनके साथ गलत काम करना। लेकिन बहुत सारी बार ऐसा भी होता है, हकीकत होने के बावजूद अगर किसी को पता लग जाता है तो आपको उसके द्वारा, उनके घर वालों द्वारा केस दर्ज करा दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके साथ आपके रिलेटिव, आपके गर्लफ्रेंड या कोई भी बॉयफ्रेंड, क्योंकि आजकल दो तरह के होते हैं, शादी किससे, प्यार किससे, सारी चीजें होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो बिल्कुल आपको उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है, अगर आप किसी भी महिला मित्र के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, फ्रेंड है, सारी चीजें हैं, शादी अलग जगह हो रही है, सारी चीजें होने के बावजूद अगर आप उनको वीडियो क्लिप बना लेते हैं, उनको बार बार धमकी देते हैं, तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। आपके खिलाफ आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हो सकता है, 376 में मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्योंकि आप बार बार उसको ब्लैकमेल करने के लिए धमकी दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस प्रकार का कृत्य आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको सचेत रहना है, आपको अपने जीवन के बारे में सोचना है, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें। अगर आप किसी की दोस्त हैं, किसी के मित्र हैं, आप ऐसा करते हैं तो आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते, किसी के साथ बदनाम करने की साजिश रखते हैं, तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपके साथ, आप किसी भी महिला मित्र के मित्र हो, किसी के साथ आपका व्यवहार है, फ्रेंडशिप है, लेकिन आप ऐसा, फ्रेंडशिप होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी का गलत वीडियो बनाकर उसका उपयोग करें, गलत वीडियो को प्रसारित करें, इसमें भी आपके खिलाफ, और बार बार उस वीडियो को दिखाकर आप उसे बदनाम करने की कोशिश करें या उसको दबाने की कोशिश करें या उसे ये कहे कि मेरे साथ ऐसा कर ऐसा कर, तो ये सारी चीजें आपके खिलाफ आईटी एक्ट में भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, अगर वायरल करते हो और अगर ऐसा करने की धमकी भी देते हो तो 376 के तहत भी आपकी मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रकार का कृत्य नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार का कृत्य करते हैं तो आपके खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हो सकते हैं और जेल की सलाखों में भी जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें देखने के आई है, बहुत सारी महिला मित्र केवल पुरुषों को फंसाने के लिए ऐसे कार्य किए जाते हैं, पैसे ऐंठने के लिए किया जाता है। लेकिन आपको सचेत होना है, सचेत रहना है, आप किसी के साथ ऐसा नहीं करना। अगर आपके साथ एविडेंस है, आपने सहमति से सारा चीजें की है, तो आपके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको सारी चीजें ध्यान में रख के करना होगा। लेकिन मैं जहां तक राय दूं, ऐसा काम कतई मत करो। अगर आप करते हैं तो आपका जीवन खराब हो सकता है, आपकी लाइफ खराब हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के साथ केवल स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसा करते नहीं करना चाहिए। अगर करते हो या किसी भी महिला के साथ या महिला मित्र के साथ आपकी फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, अगर उसका आप गलत तरीके से उपयोग करके वीडियो बनाकर प्रसारित करने की धमकी देकर बार बार उसे कुछ चीजें करवाने की कोशिश करते हो, तो आपके खिलाफ गंभीर धारा में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपके जीवन को ये वीडियो से, आपके जीवन को सफल बना सकते हैं, आपके जीवन को किस दिशा में जा रहे हैं, सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताई गई है। अगर ये वीडियो आप तरीके से सुनोगे, आपको मनन करोगे, तो आप कभी भी गलत कार्य या गलत दिशा की तरफ नहीं जाओगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे इस कानून की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। जय हिंद।